पूर्वी दिल्ली के परपड़गंज इलाके में लोगों का जीना हुआ मुश्किल। परपड़गंज की पतली गलियों में सीवर की पाइपलाइन टूटने की वजह से गलियों में सीवर का गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। वहां से आने जाने वाले लोग भी मुंह पर कपड़ा लगाकर ही निकल पा रहे हैं। बदबू का इतना गंदा माहौल है कि वहां पर 10 मिनट खड़ा होना भी बेहद मुश्किल का काम है। अब सोचने वाली बात यह है कि वहां के रहने वाले लोग और वहां के निवासी अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, और बरसात के समय में सैकड़ों बीमारी, सैकड़ों तरीके के कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घर के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन ना तो वहां पर निगम पार्षद सुनते हैं और ना ही वहां के विधायक। लोगों की साफ तौर पर शिकायत है कि निगम पार्षद और वहां के स्थानीय विधायक सिर्फ वोट मांगने के दौरान दिखाई देते हैं, बाकी समय लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन विधायक और कौन वहां का निगम पार्षद। तस्वीरें साफ बयां कर रही है इन गलियों की दुर्दशा क्या है। ये भाई साहब सीवरों का 15 दिन हो गए, जेई को फोन कर के परेशान है, जेई सुनने को तैयार नहीं है। रोज डेली कंप्लेंट हो रही है, यहाँ बुरा हाल है, नरक में जी रहे हैं। तो आपने कहीं किसी अधिकारी निगम जेई जेई को बोलता रहा हूँ, ये निगम पार्षद के अंडर है ही नहीं, है विधायक के अंडर है ये मामला सीवर वाला। जे निगम पार्षद को गली के लिए बोला, नाली के लिए निगम पार्षद भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये नाली ऊंची है, ये नाली नीची है, तो पानी जाता ही नहीं है। वो सारा बरसातों के दिनों में तो ये इतना पानी होता है, हमारा तो जीना नरक हो रहा है। इतनी बदबू आ रही है, बुरा हाल है, पानी भी पीने वाला गंदा आ रहा है। अनाप शनाप बिल भेजते रहते हैं जल बोर्ड वाले, अभी हर महीने बिल जमा कर रहा हूँ लेकिन फिर 1900 का आया हुआ। हमारा कौन सा फैक्ट्री चल रही है, इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। तो ये कितने दिन से ये सब यहाँ? ये 15 दिन हो गए इसको, पानी जमा है भैया सारे में देखो इतना पानी। दो तीन चार हफ्ता है ना, कोई नहीं सुनते हो, हमारी कंप्लेन करते हैं, कोई नहीं सुनते हो, बिल्कुल भी सबके दौरे पहुँचाते हैं, हमने कंप्लेन सबके दौरे पहुँच गए हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हो कोई भी। अभी इतनी बीमारी चलने शुरू हो गई है, डेंगू हो रहा है, तो बुखार में पड़े हैं बालक सब बुखार चढ़ रहे हैं, बालक ने बीमारी थे, मच्छर काट रहे हैं। अच्छा आज एक हफ्ता है गो बाहर निकले भैया, ज़्यादा एक हफ्ता थे, इतनी कंप्लेन है रही है हमारे यहाँ। यहाँ तो सदियों से वाल्मीकि मोहल्ला जी ऐसे ही रहता है, ना लैन चेंज करते हैं, ना कुछ बुरा हाल है जी। तो आपने कहाँ कहाँ ऐसी कंप्लेंट करी है? झंडा वाले में जी हाँ, और फोटो भी दिए खींच के, वैसे भी सारी कंप्लेंट जय को भी किया। आपके यहाँ से निगम पार्षद है या विधायक है, आपने उनके द्वारा कोई कंप्लेंट की? यहाँ कोई आने को राजी नहीं है, कोई नहीं आता, जब वोट पड़ेंगे तो आएगा, खुशामद करेंगे बस। कंप्लेंट हमने सभी जगह करी, कोई सुनाई नहीं करता, अब क्या करें। सीवर वाले इनको भी करी, नाली वाले इनको भी करी, सबको कंप्लेंट करते, कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। हमें इस टाइम डेंगू का प्रकोप चल रहा है, इससे तो मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं। हाँ जी हो रहे हैं, अब क्या करें, मजबूर हैं हम, जब आते ही नहीं कोई सफाई करने वाला तो क्या कर सकते हैं। हमें तो कंप्लेंट ही करनी है, ये तो नहीं है कि उन्हें पकड़ के ला के यहाँ करवा, हमें उनसे काम, जब आते नहीं है तो क्या करें।